किंग्स इलेवन पंजाब पहले प्लेऑफ्स में पहुंचने के काफी करीब थी, लेकिन लगातार हार ने उनको बाकी सभी टीमों के साथ खड़ा कर दिया है। अब उन्हें भी प्लेऑफ्स में पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब रोमांचक मैच में हार गया। 186 रनों का पीछा करते हुए पंजाब 183 रन ही बना पाया। पंजाब की तरफ से केएल राहुल ने 94 रन बनाए, उसके बाद भी पंजाब जीत नहीं सका। हार के बाद वो इतना निराश हो गए कि सिर पर हाथ रखकर बैठे रहे। इस पारी के लिए उन्हें स्टाइलिश प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। सोशल मीडिया पर खबर वायरल हो रही है इन दिनों कि नाराज केएल राहुल ने वो ट्रॉफी फैंस को दे दी। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैच के बाद जो ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे, उसी वक्त फैंस उनकी तरफ आ गए। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उन्होंने क्राउड की तरफ अपनी ट्रॉफी फेंक दी। एक तरफ फैंस काफी खुश थे क्योंकि केएल राहुल ने उनको गिफ्ट दिया था, लेकिन केएल राहुल ने ये चीज निराशा में की क्योंकि शानदार परफॉर्मेंस के बाद भी उनकी टीम हार चुकी थी। आपको बता दें कि इस हार के बाद किंग्स इलेवन पंजाब अब सातवें स्थान पर पहुंच चुकी है। पंजाब को अब न सिर्फ आखिरी मुकाबला जीतना है बल्कि लंबे अंतर से जीत प्राप्त करनी होगी। पंजाब का आखिरी मैच 20 मई को चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क की रिपोर्ट।